भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सब लोग जैन हैं और जैन जैसा कि कहा जाता है कि दया और धर्म का काम ये है कि लोगों की सेवा करना है। मेरे साथ में श्री दिलीप जैन जी हैं, अपने आप में एक शख्सियत है, एक पहचान है। मेरे पीछे में देख रहे हैं ये टैगोर नगर चौक है, रायपुर का एक बड़ा चौक है जहाँ पर श्री जैन जल सेवा समिति के नाम से ये एक पानी का आपने लगाया है, वाटर कूलर है। गर्मी सर्दी हर समय में यहाँ पर पानी मिलते हैं। दिलीप भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो काम करते हैं, अभी जो बातचीत कर रहे थे हम लोग, बहुत ही अनुमोदना करेंगे कि अलग तरह का काम है। क्या कुछ आपके दिमाग में आया कि काम शुरू करना चाहिए, और कुछ अपने बारे में बताइए। ऐसे ही एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मतलब लोगों को ठंडा पानी पिलाना चाहिए, तो मैंने दादावाड़ी से स्टार्ट किया। महावीर जयंती के प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में मैंने पानी पिलाया। शांति विजय गुरुदेव के जो स्वर्गारोहण दिवस होता था उसमें मैंने पानी पिलाया। फिर मैंने सोचा अस्थाई अपन पानी लगाते हैं, तो मैंने 9 प्याऊ लगाए थे। एक प्याऊ हमारा ज्येष्ठम चौक पर रोड के कारण टूट गया, दूसरा हमने विवेकानंद नगर लगाया था, तीसरा प्याऊ यहाँ लगाया, चौथा हमने पचपेटी नाका बजरंगबली मंदिर के पास लगाया। तो अभी हमारा ये एक अस्थाई प्याऊ श्रीमान शांति चंदन मुकीम महेंद्र जी मुकीम जी के द्वारा ये मशीन दी गई थी, और ये हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। और मैं किरणमयी नायक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने, और सुभाष तिवारी जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्याऊ का उद्घाटन किया। और पहले यहाँ बिजली का कनेक्शन भी हमें फ्री दिया गया था, और पानी कनेक्शन सिर्फ 15 मिनट के अंदर में किरणमयी नायक जी ने यहाँ लगवाया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और गर्मी के समय में यहाँ बहुत सारे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, जितने भी यहाँ ड्राइवर आते हैं, बच्चे स्कूल वाले सारे यहीं से पानी पीते हैं। 2000 लीटर की स्टोरेज यहाँ हमने लगा रखी है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। क्या ये पूरा ये जो श्री जैन जल सेवा समिति है, तो इसमें लोग सहयोग, लोगों से सहयोग लगते हैं कि अपने पास से भी कुछ करते हैं? पूरा मैं अपने पास से करता हूँ। मशीन एक बार उन्होंने दी है, उसके बाद बिजली का बिल भी मैं ही भरता हूँ। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि अभी बता रहे थे कि भागवत में भी है, जैन धर्म के तो होते ही हैं जो प्रोग्राम, आप उसमें जैसे श्री महावीर जयंती के उत्सव में है, मुझे भगवान महावीर जी जन्म कल्याणक महोत्सव होता है, इसके साथ में आप बता रहे थे कि दीक्षा है या और भी प्रोग्राम है, तो इसमें भी सब जितना पानी लगता है सब अपने जेब से खर्चा करते हैं? जी जी जी, जहाँ भी मेरे को बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ। भागवत हो या कोई सत्संग हो, कीर्तन हो, मंदिर में हनुमान जयंती हो, मैं हर जगह जाके सेवा करता हूँ। ये मेरे सब अपने जेब से खर्चा करके पानी जितना लगेगा वो सब पानी ले आते जी, मैं अपने तरफ से करता हूँ पूरा। तो कैसे पानी ले आते हैं, क्या पानी ले आते हैं? पानी लेके जाते हैं, वो पाउच लेके जाते थे पहले। अच्छा, आजकल वो 20 लीटर का जो ठंडा वाला आता है, अमृतमय वाला पानी, जी जी, वो लेके जाता हूँ। अच्छा, अभी प्लास्टिक बचाना है इसलिए जी 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 जी। दिलीप भैया, ये तो आपका बहुत अच्छा काम है कि जल सेवा, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में तो मैंने इस तरीके का बहुत कम लोग करेगा। मेरे अभी जानकारी में नहीं था कि बड़े बड़े आयोजन में भी आप अपने खर्च से पानी की व्यवस्था कर देते हैं उनको, कि मेरे आपका अपना योगदान हो जाता है वो। जी 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 जी। तो अभी हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर ने एक बड़ा काम किया है, कि एक ऐसे लोग जो समाज सेवा की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक बार समाज के लोगों के बीच में लेकर जाएं। श्री महेंद्र कुचर जी, श्री चंद्र शाह जी, श्री सुशील कुचर जी, श्री विजय चोपड़ा जी, श्री कमल भंसाली जी, ये एक बड़ा अच्छा मुझे भी मौका मिला है, तो मैं उनका भी बड़ा अनुमोदना करता हूँ कि ऐसे लोगों से, दिलीप भाई आपका जितनी शाबाशी की जाए और जितना आपका बात की जाए, कि निश्चित रूप से बहुत ही अनुमोदना है कि अपने परिश्रम से रोज सेवा करते हैं। इसकी आप देखते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, मशीन खराब हुआ कि नहीं हो रहा है, पूरा, पूरा, तो सारी चीजों का आप ध्यान लगा के रखते हो आप। जी, जी, जी। समय मिल जाता है आपको? एकदम मिल जाता है। घर परिवार वाले क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है उनको। अच्छा, लोगों से क्या कहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने एरिया में गर्मी के समय में कम से कम 2-3 महीने ठंडे पानी की व्यवस्था करें, जहाँ जितना हो सके आप 1 घड़ा 2 घड़ा मशीन लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है, अपने घर के सामने में ही लगा सकते हैं आप, सेवा जरूर कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर कहते हैं कि भूखे को पानी पिलाया नहीं, तो क्या बोलते हैं गाना, क्या है ना सर, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो बहुत अच्छी बात है ये भी भजन जितना सुपर डुपर हिट हुआ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, पानी जरूर पिलाएं, अभी गर्मी आने वाली भी है। दिलीप भैया, आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, और बड़ा अच्छा सुकून भी होता है, बड़ा अच्छी नींद भी आती है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद, वो भी सेवा कार्य करते हैं।
आप सबका जीवन मंगलमय हो और इस वीडियो से कुछ प्रेरणा ले सके कि आप थोड़ा कर सकें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कर सकें, तो बहुत ही हम लोग सोचेंगे कि हमारा काम जो हम लोग कर रहे हैं ये सार्थक हुआ। समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।